शनिवार को तड़के सुबह तेज आंधी से पुलिस लाइन स्थित आरशी आवास पर छज्जा गिर जाने से आरशियों का परिवार बाल बाल बचा। आरशी परिवार ने कहा कि आरशी आवास में लगभग 42 परिवार है, जिसमें से कुछ की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, जिसकी जानकारी प्रशासन को देने के बावजूद अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुआ है। जल्द इसकी मरम्मत नहीं हुई तो कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। साथ ही साथ यहां पर साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, जिससे आरक्षियों का परिवार बीमारी के गढ़ में अपने परिजनों के साथ गुजर बसर कर रहा है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और इन दिनों संक्रमित बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आरशी परिवार के सदस्यों ने कहा, इसके संबंध में अवगत करा दिया गया है अधिकारियों को आज 6 महीने पहले। ठीक है, पूरा नजर आए अधिकारी चुप लगा। कौन सा जगह है ये? पुलिस अस्पताल। ये जो ऊपर गिरा हुआ है, एक छज्जा गिरा हुआ है, कैसे गिरा हुआ है? वो आंधी तूफान से गिरा है। हाँ, वो तो गिर गया चारों तरफ और आंधी तूफान आया, वो गिर गया। छज्जा, दो छज्जा गिरा है। तो कोई हताहत हुआ, कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं नुकसान हुआ। क्या आप चाहते हैं? अब उसको बनवाना चाह रहे हैं हम। किसी से कहा गया है? नहीं, अभी नहीं कहा गया है। मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गिर जाएंगे तब, मान लीजिए वो कभी खतरा हो जाएगा तब क्या कोई करेगा? उनका राय सबका सुनना चाहिए, सूचना उनको देना चाहिए। मीरा देवी। ये कौन सा जगह है? ये हॉस्पिटल कॉलोनी है, क्राइम ब्रांच के ठीक सामने है। यहाँ पे ये इतनी गंदगी है, आप लोग कैसे रहते हैं? कितने परिवार रहते हैं? हम लोगों ने इसके पहले भी अधिकारियों को अवगत करा दिया है, 6 महीना पहले अवगत करा दिया गया है और बताया जाता है, बार बार ध्यान आकर्षित कराया जाता है, लेकिन कोई ध्यान अधिकारी दे ही नहीं रहा है। कल ही रात की बात है कि छत का छज्जा चूर करके सामने गिरा हुआ है। रात का मामला था इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ, नहीं तो दिन का मामला होता तो तमाम बच्चे रहते हैं, मेरे भी और लोगों के भी, वो भी हताहत हो जाते हैं। यही सब बात है। बाकी ये नालियाँ हैं, अवगत करा दिया गया लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई अधिकारी जो है इसके संबंध में कोई बातें नहीं समझ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीनानाथ गुप्ता है जी। नहीं, सफाई तो नहीं, सफाई के नाम पर थोड़ा भी नहीं होता है। और यहाँ पर जी इतनी गंदगी है कि गंदगी से अब क्या कहा जाए, इतना बीमारी होती है लेकिन सफाई के नाम पर कुछ नहीं। आप देख रहे हैं कि कितना गंदगी हो रही है लेकिन सफाई कुछ नहीं होती है। सफाई यहाँ होना ज़रूरी है, यहाँ इसलिए। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं इधर, और ये भी गिर गया है। मान लीजिए अगर रात में गिरी है, दिन में गिरता तो बच्चे हैं खेल रहे हैं कि खतरा ही है, खतरा है। इसको बनवाना ज़रूरी है। हम यही चाह रहे हैं कि यह बन जाए, इसकी मरम्मत की जाए और सफाई यहाँ कराया जाए, इसको नाली बढ़िया बनवाया जाए ताकि पानी अच्छे से बाहर चली जाए। कभी सूचना हुई है इसकी? अब इस हाँ कई बार हुई है लेकिन इसका कोई वो नहीं हो रहा है कि कई बार पुलिस लाइन मीटिंग हुआ है इसके संबंध में। हाँ, लेकिन सूचना भी दिया गया है क्या? नहीं बनाने हमारा सीमा